Flashback. End of flashback. अब जब मैं दूर बैठी हुई थी तो फाउंटेन जो है वो देखें। अब मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी वीडियो बनाने। मजबूरी नो आन जान दी पसरूड़ी नो जहर बने हाँ तेरी ई जवां मैं पूरी नो आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग में टकराया कागा बोल दस जावे पावा क्यों दी चूड़ी नो रवा चुपावा चुबोलू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल चुराइया दी तेनू खबर की बे brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, it's just a clock. My God told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. Put me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, get the chop. I'm a hot rich gay, so I'm Hollywood. These Monday and they sound like Hollywood music. They be on a party, but they be on a party. I'm got them lyrics. Get their talent. ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ
ना रब्बा रंगीन ना चोपर शीन ना कप्पा चीन ना गला सोमीन ना कई ना रबे मैं से छटे का सीन केतरा किया ना उठते जवान किया दारू से सब दे डर मुझे बराम मुझे देखें ये बच्चा जो अपना स्केच बनवा रहा कितनी देर बेचारे को ऐसे बैठना पड़ रहा है पता नहीं कितनी देर से बैठा हुआ है होते हैं जैसे सजा मिली हो आप इन बनवाना है ऐसे इतनी देर बैठना पड़ेगा हाँ चली गई माशाल्लाह एंजॉय तो बहुत किया अभी और बहुत कुछ था देखने के लिए लेकिन अब बहुत थक गई है जब क्या बोलते रात हो जाएगी फिर देखना थैंक यू बहुत थक गई है बस दुआ की खातिर हम लोग घर जा रहे हैं हमारा तो मेरा और दुआ के पापा का तो घर जाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि अभी तक और बहुत कुछ था देखने वाला इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अंदर देखने वाली तो बस बच्चे थक गए थे तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं दुआ देखें भी इतने सारे बंदे अंदर जाना चाह रहे हैं और आप इतनी जल्दी हमें लेके जा रही हैं अच्छा आए आए नाराज हो क्या बोल रही हैं ऐसे तो नहीं होता ना खुशी से बोलना चाहिए था आप तो गुस्से में बोल रही हैं कि हाँ आए आए बस इधर देखें दुआ थक गई है दुआ बताएं कैसे लगा आज आपको इधर आके पापा ने आपको कैसा सरप्राइज दिया बहुत अच्छा हाउ डू यू लाइक इट हैव यू एंजॉयड इट कैन यू टेल अस अबाउट समथिंग फॉर दिस योर अमेजिंग इवेंट जर्नी उर्दू में बता दें सब चलता है बताएं हमें क्योंकि आपके व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपने कितना एंजॉय किया मैंने बहुत एंजॉय नहीं बहुत मजा आया उधर मैंने झूले खाए तो मुझे चक्कर आ गए और इधर बहुत अच्छा मतलब कि परफॉर्मेंस होया परपोपल नहीं परफॉर्मेंस व्हाट इज दिस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस या मम्मा पापा का दिल चाह रहा था वो लोग इधर रह जाए अच्छा आप बताएं आपको कैसा लगा दुआ मैं अपने एक्सप्रेशन आपको ऐसे बोल सकता हूँ आई लाइक इट इट वॉज ऑसम अमेजिंग मजा आ गया यार मजा आ गया हम लोग ऐसी बत्तुक्के से आए असल में हम लोग घर में थे तो दुआ जो है ना बोर हो रही थी क्योंकि दुआ मेरा सब कुछ है What? ये दोनों नहीं जा रहे थे। What? ये दोनों नहीं जा रहे थे। क्योंकि दाऊद कुछ बोलना चाहता है। मैं जब बोलूं कैमरा नहीं हटाए अच्छा मैं हम लोगों ने फिर ऐसे अचानक घर में बैठे हुए थे बोर हो रहे थे हद से भी ज्यादा फिर मैंने दुआ की मम्मा को बोला बाहर जाना चाहिए कुछ मुझे फील हो रहा है कि कुछ अमेजिंग कुछ हमारे लिए अमेजिंग चीजें होने वाली है तो दुआ की मम्मा एज यूजुअल कह रहे थे कि कहाँ जाएंगे ये वो ऐसे फिर दुआ को मैंने मनाया दुआ को बोला प्लीज प्लीज चल पड़े यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी दुआ की मैंने इतनी मिनतें की दुआ के फिर मैंने कपड़े दुआ के मैंने कपड़े प्रेस किए दुआ के कपड़े प्रेस किए मैंने 50 रुपए लेकिन मैंने तो समझा कि YouTube पे ऐसी ओवर एक्टिंग चलती है लोग ऐसे ड्रामे करें बहुत लोग देखते हैं अच्छे लोगों के वीडियो नहीं चलती अरे कहना क्या चाहते हो यहाँ पे लेकिन सीन हो गया यहाँ पे टिकट के साथ आना पड़ता है ये तो एक अच्छा है अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेज दिया कि उस बंदे ने हम खड़े हुए थे जो पाकिस्तानी था ना हाँ पाकिस्तानी इंडियन था लेकिन बहुत जबरदस्त आदमी था उसने देखा हम लोग ऐसे खड़े हुए मुंह लटके हुए थे दुआ बेचारी परेशान थी बार बार बोल रही थी कब जाएंगे मैंने कहा पप्पा वेट करें देखते फिर अचानक से वो बंदा आया उसने बोला आपको टिकटों की ज़रूरत है मैंने कहा हाँ उसने कहा मेरे पास दो टिकटें फ्री हैं यानी मैंने उनको यूज़ नहीं किया मैंने कहा ज़बरदस्त
तो उसने कहा अब यूज कर ले, फिर उसने दी, उसकी बहुत मेहरबानी, उसका शुक्रिया यार उसने। फिर उन्होंने बोला बस फिर ये हम आ गया। हाँ बस ऐसी समझे, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला करीम अजीम है, उन्होंने यानी हमें इस क्या बोलते हैं इवेंट का लुत्फ उठाने का मौका दिया और बंदा टिकट दे गया। फिर जब दुआ और दुआ की मम्मा अंदर गए तो ये लोग तो कहा कि बस परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि भाई यही हमें चाहिए थी कि हमारी पूरी वीकेंड की थकन उतर जाए, और वाकई जो अंदर इंजॉयमेंट की है, जो अंदर कॉन्सर्ट हुआ बहुत जबरदस्त अमेजिंग। ऐसे कट्ठे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?